नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आज चैप्टर है डिफरेंस बिटवीन दी पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस वर्ड से भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया है, क्योंकि पब्लिक मीन्स पूरे सिस्टम, पूरी राष्ट्र, पूरी कंट्री को शामिल किया गया है। पब्लिक प्राइवेट मीन्स किसी भी व्यक्तिगत, फर्स्ट है बेस आपको बताएंगे, डिफरेंस उसके साथ बताई जाएगी। फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पब्लिक फाइनेंसिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत सरकार की टोटल आय और उसके व्यय का अध्ययन किया जाता है। बट प्राइवेट फाइनेंस इन पर्सनल पर्सन, किसी एक व्यक्ति का इनकम एंड एक्सपेंस, उसकी आय और व्यय का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रिंसिपल। पब्लिक फाइनेंस इन टोटल प्रिंसिपल ऑफ दी इन मार्केट इकोनॉमिक्स, इन रेशियो सिस्टम, बजट ऑफ दी योर कंट्री। बट प्राइवेट फाइनेंस इज पर्सनल प्रिंसिपल, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत इनकम के विषय में बताई जाती। नेक्स्ट डेब्ट्स, पब्लिक फाइनेंस, जब किसी भी पब्लिक फाइनेंस में इनकम से अधिक एक्सपेंस होने पर उनकी फाइनेंस लॉस में जाती है, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंस है, वो अपने लॉस को गवर्नमेंट के पास राइट है कि टैक्स इंक्रीज करके पूरा करती है, बैंकों से लोन लेती है या अदर सिक्योरिटी, रिजर्व बैंक या उसके साथ LIC वगैरह से लोन लेती है। अगर उसकी कंपनसेशन नहीं हो पाती तो वो फॉरेन पर्सन से लोन लेके अपने अपने वर्क एक्सपेंडिचर को पूरा करती है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस किसी व्यक्तिगत रूप में, वह अगर उसे अलाउ होगा तो कोई बैंक उसे लोन देगी तभी वह कार्य कर सकता है, और भी कहीं से उसे डेब्ट प्राप्त करने का अधिकार नहीं। सीक्रेसी, पब्लिक फाइनेंसिंग टोटल वर्क इन दी कंट्री ऑफ दी सीक्रेसी, एक राष्ट्र का होता है इसलिए व्यक्तिगत रूप से वह सीक्रेसी कायम रखी जाती है, लेकिन उसे 100% सीक्रेसी रखना कायम संभव नहीं है, क्योंकि इसकी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती है, क्योंकि बजट आप बनाते हैं, पार्लियामेंट में आती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी होती है। प्राइवेट फाइनेंस इन दी पर्सनल इन सीक्रेसी, मेरा मेरी इनकम क्या है, मेरी व्यय क्या है, हर व्यक्ति अपना अपना जानता है, उसे वह पब्लिक के रूप में नहीं रखता। नेचर, पब्लिक फाइनेंस इन गुड ऑफ दी नेचर इन सोशल वर्कर, सोशल वेलफेयर, सोशल सोसाइटी, सोशल गवर्नमेंट वर्क करती है, फर्स्ट इन वर्क होती है, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत भी इसी पर कहा गया है। बट प्राइवेट फाइनेंस इन दी नेचर इन दी पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल किसी व्यक्ति को स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। परचेजिंग पावर, गवर्नमेंट इनकम पब्लिक फाइनेंस से, किसी भी गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होती है, आय के रूप में पैसा प्राप्त होती है, जिससे उनकी इनकम बढ़ती है, तो इंक्रीजिंग करने का प्रयास करती है, जिससे पर व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, ग्रुप की इनकम बढ़ती है, तो एक कंट्री की भी इनकम बढ़ती है। मनी इनकम को इसके अंतर्गत आधार नहीं माना जाता है पब्लिक फाइनेंस। लेबर, पब्लिक फाइनेंसिंग माइक्रो लेबर या बड़े पैमाने पर होता है, प्राइवेट फाइनेंसिंग माइक्रो लेवल या एक छोटे पैमाने पर हम कर सकते हैं। टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंसिंग रिवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत कोई भी कम गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन के रूप में वह उस सिस्टम प्रणाली से अपने रिवेन्यू प्राप्त करती है। बट प्राइवेट फाइनेंसिंग नो ऑफ द टैक्सेशन ऑफ सिस्टम बट योर ऑफ द इनकम, यदि आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे प्राप्त आय भी आपकी इनकम मानी जाएगी। आज आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस हमने बताया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।
आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस VCOM लर्निंग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाना न भूले कि जिससे इससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।